प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं गरिमा झा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से। विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। लेकिन इसी बीच भाजपा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, जिसके वजह से वो आयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्या है पूरी जानकारी, आइए इस खबर में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम आज पटना में विधानसभा भवन के शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। इस दौरान विधानसभा परिसर में ही बने सभा स्थल से प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। लेकिन इससे ठीक पहले भाजपा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने वालों में शामिल बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को पटना आने वाले हैं। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद शाम करीब 5:20 पर पटना पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री यहां आधे घंटे तक रुकेंगे, जिसके बाद विधानसभा के लिए रवाना होंगे। पीएम के कार्यक्रम के लिए बने मंच पर बैठने वाले कई चेहरों को कोरोना के कारण मायूसी हाथ लगी है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ कई मंत्रियों की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तारकिशोर प्रसाद की दूसरी जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद वो अब पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तारकिशोर प्रसाद के अलावा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, मंत्री लेशी सिंह भी कोरोना पॉजिटिव है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की भी दूसरी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।